कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। सुनना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बातें हो रही हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से कुछ ट्रांसफर करने की जैसे फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे सर अपन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की बातें चलने वाली है। अब सुनना, यहाँ पे केमिस्ट्री भी जोड़ा हुआ है, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन भी हैपन होने वाले हैं सर। यहाँ पे दो दो चीजें की फीलिंग आ रही है, केमिकल रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई होगा। इस लेसन में ये होगा, ये तो दिमाग में जा चुका होगा। ठीक है, आ जाओ सोहम। सोहम तुम्हारा तो हो चुका है क्लासेस, खैर ठीक है, फिर भी जुड़ो, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना ही अच्छा। अब सुनना थोड़ा सा, ओ सेट, एक मिनट। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने की बातें कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करें। अगर मैं एक एग्जांपल दूं जिसमें दोनों घटनाएं घट रही हो, जैसे मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, टीवी बैटरी, जैसे कि हम लोग बैटरी को यूज करते हैं, जैसे मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी अपन को मिलती है तो अपन का मोबाइल चलता है। क्लियर? अब वो जब केमिकल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं तो वहां पे अब केमिकल रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो पा रही होती है, जिसके चलते अब हमारा बैटरी काम करना बंद कर देता है। अब हम लोगों की जरूरत होती है बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें। अब कुछ लोगों को यह भी लगता होगा कि सर मोबाइल की बैटरी को बाहर से चार्ज करते हैं तो वो चार्ज जाके कहीं स्टोर हो जाता होगा और स्टोर होने के बाद जब चाहे तो निकाल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता तो तुम धमाल हो जाता कि मतलब तुम इलेक्ट्रिसिटी को बांध के रख रहे हो इतने दूरी के बैटरी में। ऐसा नहीं होता, वो केमिकल रिएक्शंस कराते हैं अंदर, जिससे कि जो केमिकल रिएक्शंस पहले हमारा फॉरवर्ड हो चुका है उसको बैकवर्ड करते हैं और फिर बैकवर्ड करने के बाद हम लोग को दिखा देता है कि अब बैकवर्ड नहीं होने वाला रिएक्शन, मतलब फुल चार्ज। इसके बाद से हम लोग अब फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसमें से। अब बोलोगे सर केमिकल रिएक्शंस करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कुछ पच नहीं रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको। क्योंकि करूंगा एक्सप्लेन, यहाँ पे देखने को बहुत ही मजेदार चीजें मिलेंगी। तुम लोग खुद का अपना बैटरी बना सकते हो, खुद का अपना मतलब यहाँ पे लिख सकते हो हर्षल बैटरी, ठीक है, ओम बैटरी, ऐसा तुम लोग अपना ब्रांड बना सकते हो, लिख सकते हो, जो भी कर सकते हो। अब सुनते थोड़ा, चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लेना, थोड़ा सा थियरी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थियरी जरूरी है बोर्ड्स के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए जो है वो तो है, थियरी बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखना इसमें लाइन्स, पहला लाइन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ, यहां मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, वहां पे स्टॉप करके तुम लोग लिख सकते हो आराम से, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। क्लियर? मैं दोनों तरह के बातें को पढ़ाया जाएगा इसमें। अब उसको धीरे धीरे रीड करेंगे। पहली तो बातें ये होंगी कि केमिकल रिएक्शंस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे कराएं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं कि बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पा रहे हैं, मतलब HCl और NaOH रिएक्शन करेगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, वाह ये तो अच्छी बात है। चलो सुन लो, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी दिमाग से और तुम लोग भी बोलोगे कि हाँ रिएक्शन से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करा सकते हैं। कैसे? अब थोड़ी सी दिमाग खोल के बैठना, सबसे पहला पॉइंट लिखना, इसमें एक लाइन लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। पहला लिखना कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा लिखना कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और हेडिंग करना कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब फर्स्ट ये चलेगा 3-4 दिन तक, उसके बाद से हम लोग दूसरा पॉइंट खत्म तो खत्म, ठीक है। सुनना, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें लिखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जाएगी। क्या होने जाएगी? सुनना थोड़ा सा, इट इज फर्स्ट डेवलप्ड बाय गैल्वेनी, GLVANI, गैल्वेनी एंड वोल्टा, VOLTA, वोल्टा। सुनना, गैल्वेनी और वोल्टा नाम के दो साइंटिस्ट थे
उन्होंने ही इसको फर्स्ट डेवलप किया। बोलोगे सर फर्स्ट डेवलप किया सेकंड डेवलप किया उससे क्या मतलब होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिकॉज इट्स अनदर नेम इज गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टास सेल। इट्स अनदर नेम इज गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टास सेल, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे, इसको स्टार लगा लेना। इट्स अनदर नेम इज गैल्वेनिक सेल, इसका अनदर नेम गैल्वेनिक सेल और वोल्टास सेल। अब थोड़ा सा ऐड करके एक अनदर लाइन में लिखेंगे, दिस सेल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कराएंगे केमिकल एनर्जी से सेल, ठीक है। लेकिन अगले पॉइंट में इन दिस सेल इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप, इन दिस सेल इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कराएंगे। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइन पे आते हैं। मैंने बोला शुरू में वादा किया खुद का बैटरी बनाओगे, उस पर अपनी ब्रांडिंग लिखोगे, बेच सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और घर पे बना रहे होगे। यहां तक कि 11th के बच्चे इस चीजों को ट्राई कर चुके हैं। 11th में रिडॉक्स ये थोड़ा सा है और मैंने अभी अभी क्लियर किया है उसको, और 11th के बच्चे इसको बना रहे हैं। मैंने तो वो लोग मेरे को पिक भेज रहे हैं कि सर ये देखिए इतना कर लिया है, ये देखिए इतना कर लिया है। तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो घर पे और इजिली बना सकते हो। खैर तुम लोग का 12th है, तुम लोग के ऊपर। चलो थोड़ा सा देखेंगे इसमें। सबसे पहले क्या करना है, मार्केट जाना है। मार्केट गया, क्लियर। अब वहां से तुमको दो इलेक्ट्रोड लेना है। इलेक्ट्रोड मतलब दो रॉड। बैटरी तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे रॉड्स होते हैं, इसमें चिमटा फंसाते हैं, इसमें चिमटा फंसाते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेते हैं, या फिर इसमें तार लगाते हैं, इसमें तार लगाते हैं और इधर से करंट इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो कम से कम दो तो होनी चाहिए, कम से कम जितनी ला सकते हो लाओ, कोई दिक्कत। चलो मार्केट गए, दो रॉड लाए। सुनना रिक्वायरमेंट क्या होगी, मैं लिख देता हूं। रिक्वायरमेंट्स इसमें होगी, रिक्वायरमेंट्स टू इलेक्ट्रोड्स। अब यहां पे कुछ लोगों को दिक्कतें आ गई होंगी और कुछ लोगों को अभी भी नहीं आ रही होंगी। टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स मतलब दो रॉड जिसपे चार्ज आ सके। इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं ऐसे रॉड्स जिसपे चार्ज आ सके, उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। साफ साफ छोटा भाषा में समझना, इलेक्ट्रोड की डिफिनेशन रट रट के कोई फायदा नहीं है, जब तक इलेक्ट्रोड क्या है यही पता नहीं चले। तो ऐसे रॉड्स जिसपे चार्ज आ सके उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे, साफ साफ सिंपल भाषा में क्लियर होगा, क्लियर। अब बातें थोड़ी सी आगे करते हैं, क्या सुनना। अब बातें आगे करेंगे, दो इलेक्ट्रोड लाएंगे तो कुछ लोगों को दिक्कतें आई होंगी, सर ये इलेक्ट्रोड अलग अलग होने चाहिए क्या मेटल के, मतलब यहाँ पे एक आयरन एक कॉपर ले सकते हैं क्या, एक कॉपर एक जिंक ले सकते हैं क्या, या दोनों कॉपर ले सकते हैं क्या? क्योंकि मैं मार्केट गया और मेरे को ओनली आयरन ही मिल रहा है, ठीक है। तो ओनली आयरन मिल रहा है तो क्या ओनली आयरन से काम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें तुम लोग के दिमाग में आ रही होंगी, उसको भी क्लियर किया जाएगा, थोड़ी देर शांत रहो। यहाँ पे दो अलग अलग भी इलेक्ट्रोड ला सकते हो, दो सेम भी ला सकते हो। सेम लाओगे तो कैसे बनेगा वो अलग तरीका है, डिफरेंट लाओगे तो कैसे बनेगा वो बता रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा मार्केट में घूमो फिरो और दो दो इलेक्ट्रोड लाओ, जो भी कौन सा इलेक्ट्रोड लाए सर, जो भी सस्ता पड़े वो लेके आओ, क्लियर। जो भी सस्ता पड़े वो लेके आओ इलेक्ट्रोड। इसके बाद से टू ग्लास होने चाहिए, प्लास्टिक या फिर जुड़ जाइए जल्दी जल्दी जुड़िए, दिक्कतें हो रही है आप लोग के चलते। प्लास्टिक या फिर ग्लास का ग्लास ले लो, टू ग्लास। अब ये किस चीज की होनी चाहिए सर, प्लास्टिक की हो जाए या फिर ग्लास की हो जाए चलेगी। इसके बाद से क्या होनी चाहिए, सॉल्ट होनी चाहिए, सॉल्ट ऑफ द मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड। सुना इसको मैं मिटाऊंगा थोड़ी देर में। इलेक्ट्रोड का जो मेटल है उसी का सॉल्ट होना चाहिए, मार्केट में मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। सॉल्ट नहीं भी मिलता है तो तुम लोग बना सकते हो, ग्लास नहीं भी मिलता है तो पीओपे को ग्लास शादियों में आई होंगी उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बोल बोल के, थोड़ा सा कट रहा होगा उधर से लिख लेना, ठीक है। तो वो सब यूज कर सकते हो। रॉड की बात है, अब टू इलेक्ट्रोड कहाँ से लाए सर, यहाँ तो कोरोना में बंदी चल रही है, अब इलेक्ट्रोड कहाँ से लाए? तो इलेक्ट्रोड ला सकते हो, खिड़की का रॉड तोड़ दो या फिर ऊपर जाओ कहीं से लोहे का रॉड निकाल लो, एल्युमिनियम का रॉड मिल जाएगा, जैसे एल्युमिनियम का वायर होता है उसको बहुत सारे वायर्स को एक साथ ले लो, छील के बहुत सारे वायर्स को ले लो, उसको ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रोड बना दो, या फिर कॉपर का वायर आता है कॉपर का बना सकते हो, बहुत सारी चीजें रेडियो में आती है कॉपर की, तोड़ दो रेडियो, अब रेडियो क्या करोगे, ठीक है। जैसे भी रॉड बनाने बना सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा क्या, नहीं तो कल की डेट में तुम्हारे घर से फोन आएगा सर आपने रेडियो तोड़ने को बोला, क्यों बोला, ठीक है। तो मैं फंस सकता हूँ, तुम लोग को जो करने है कर लो, ठीक है।
अब थोड़ा सा आगे की बातें कर लें, इसको मैं मिटा दूंगा। ये सब चीजें थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट पड़ेगी। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट पड़ेगी यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताता हूँ। सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वायर की, और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी स्मॉल बल्ब की। बल्ब अब अपने हिसाब से लेने हैं, कितनी वाट की बल्ब चाहिए, कितनी वाट की बल्ब नहीं चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करे, मतलब कम करंट में भी ग्लो करे, ऐसे बल्ब चाहिए। ये रिक्वायरमेंट से मैं एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ, जिन लोगों को पीछे उधर कट रहा है उस उधर से देख लेना। देखा, टू इलेक्ट्रोड्स, टू ग्लास, सॉल्ट ऑफ द मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड दिए हैं उसी मेटल का सॉल्ट, सॉल्ट ब्रिज चाहिए, वायर चाहिए, बल्ब चाहिए। इसके बाद से एक और सॉल्ट चाहिए इन फॉर्म ऑफ जेल, सॉल्ट इन फॉर्म ऑफ जेल, वो भी लिख लेना। ये रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा मैं बना के देता हूं तुम लोगों को, और तुम लोगों को खुद में डेवलपमेंट आएगा कि हाँ मैं बना सकता हूं, कोई भी सेल बना सकता हूं, बस थोड़ी सी मेहनत और रिक्वायरमेंट जो है वो मिल जाए। तो सुनते यहां थोड़ा, अब मैं यहां दो बीकर लूंगा, सुनना। दो बीकर लिया, मार्केट से लाया है, कोई दिक्कत है नहीं है, चलो दो भी कर लिया। यहां पे इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर देंगे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे, सुनना सुनना, ये देखना कि सर इलेक्ट्रोड ऐसे डालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर में थोड़ी रहेगा। सुनना, ये ऊपर में नहीं रहेगा, मैं भी बोलता हूं, लेकिन यहां पे ऐसे मैं दिखा रहा हूं, वल्ली ऊपर में नहीं रहेगा, ठीक है, ये नीचे ही चला जाएगा, ये ऐसे ढलक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सटे रहने दो ग्लास से। और इसमें इसका सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे, जिस मेटल का रॉड डाले हैं उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। सुनना, जो मेटल का रॉड डिप किए उसी मेटल का। मैं मार्केट गया था अभी थोड़ी देर पहले सपने में, तो वहां मेरे को मिला जिंक एंड कॉपर का रॉड, मैं खुशी से ले लिया, सस्ता था, थोड़ा महंगा नहीं पड़ा, ले लिया। लेने के बाद उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन को ढूंढा, थोड़ा महंगा पड़ा ढूंढना, लेकिन मिला कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन मिला। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट ऐसे ही मिल जाता है। सुनना, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट लिया, चलो इसको मैंने जिंक मान लिया, जिंक को इधर डिप किया, कॉपर को इधर डिप किया, ये मेरे को मिला जिंक और कॉपर। तुमको कोई और भी मिल सकता है, तुमको सिल्वर भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है मेटल, मैं नहीं जानता, ठीक है, जिसका भी मेटल मिले उसी से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस सॉल्यूशन का नाम देंगे जिंक सल्फेट ZnSO4, और इस सॉल्यूशन का सॉल्ट जो होगा CuSO4 मिल गया। अब तुम लोग को ये सॉल्ट कॉपर सल्फेट ही नहीं खोजने मार्केट में, ये नहीं बोलने सर कॉपर, अरे यस कितना लेट करोगे, जल्दी आओ। अब ये नहीं बोलोगे मार्केट में सर कॉपर सल्फेट दीजिए, कॉपर का कोई भी सॉल्ट चलेगा, बस कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। कॉपर क्लोराइड चलेगा, कॉपर नाइट्रेट चलेगा, कॉपर सल्फेट चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी उठा के लाओ ना, बनाएंगे ना, थोड़ा कमजोर बनेगा, थोड़ा ताकतवर बनेगा, फिर सीखेंगे, फिर और लाएंगे, फिर और बनाएंगे, पहले शुरुआत तो कर दो, ठीक है। यहां देखो ये लाया मैंने, अभी क्या होगा, यहां जिंक की और कॉपर की एक पोटेंशियल होती है। पोटेंशियल मतलब किसी मेटल को, सुनना सुनना, जैसे एग्जांपल से बताता हूं तुम लोगों को, ये सोडियम है, सोडियम के 281 है, तो इसकी पोटेंशियल है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर दे, इसकी पोटेंशियल है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करने की। वैसे ही अगर क्लोरीन ले तो 287 है, इसकी पोटेंशियल है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ये क्लियर है ना सबका, ये बच्चों वाली चीजें हैं, 12th में हो, ये क्लियर होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पोटेंशियल है क्लोरीन की, वही पोटेंशियल अगर सोडियम की दे तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ऐसे ही पोटेंशियल था कॉपर का भी, ऐसे ही पोटेंशियल है जिंक का भी। जिंक का पोटेंशियल होता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, वही कॉपर की पोटेंशियल होता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन करना या फिर रिडक्शन करना, जैसे रिडक्शन पढ़ाया था। अब बातें आती है कि जिंक की पोटेंशियल है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, मतलब जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जिंक 2+ आ जाएगा इसके ऊपर। सुनना, जिंक की पोटेंशियल है जिंक 2+ में जाना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, जिंक 2+। ये सब सुनना, यहां मिलेगा पोटेंशियल ऑफ जिंक टू जिंक 2+। सुनना, जिंक से जिंक 2+ जाने की पोटेंशियल जो है वो है 0.76 वोल्ट। 0.76 वोल्ट दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, वेरी गुड। अभी फिर दो लोग आए, अब मैं कैसे ऐड करूं बताओ, ठीक है जुड़ गया। चलो यहाँ पे दो चीजें नोट करना, थोड़ा सा अलग में कप्चा में कहीं पे लिख लेना, कप्चा में कहीं पे लिख लेना, अजय इंटर करो जल्दी आ जाओ। यहाँ पे दो चीजें लिख लेना, कहीं साइड में लिख लेना, कहीं पे चिपका डालो।
यहां पे दो चीजें, पहला चीज लिखेंगे किसी भी चीज की पोटेंशियल पॉजिटिव है, मींस दैट कन्वर्ट स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप जाएगा. इफ द पोटेंशियल ऑफ एनी रिएक्शन इज निगेटिव देन इट डू नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड, मतलब अपने आप आगे नहीं जाएगा. जैसे एग्जाम्पल देखो, ईएमएफ जिंक से जिंक 2 प्लस जाने का 0.76 वोल्ट है, तो पॉजिटिव है ना, ये अपने आप कन्वर्ट होगा जिंक जिंक 2 प्लस में. लेकिन ईएमएफ ऑफ कॉपर से कॉपर 2 प्लस, सुनना, ये -0.34 वोल्ट होता है, -0.34 वोल्ट. मैं पढ़ के सुना देता हूं, किसी को चमक रहा हो तो, -0.34 वोल्ट होता है. मतलब यहां पे कॉपर कॉपर 2 प्लस में अपने आप नहीं जाएगा, ये क्लियर रखना अभी से कभी तक लास्ट तक, ठीक है. कॉपर से कॉपर 2 प्लस अपने आप नहीं बनेगा, लेकिन जिंक से जिंक 2 प्लस अपने आप बनेगा. सुनना, तो ये जो जिंक का रॉड है, यहां देखो सॉल्यूशन में Zn2 प्लस SO4 2 माइनस है ना, सॉल्यूशन में Zn2 प्लस है, मतलब जिंक जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होते जाएगा अपने आप, इसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं, जैसे ही रखोगे ये अपने आप ऑक्सीडाइज होगा, मतलब जिंक कन्वर्ट इंटू जिंक 2 प्लस. मेरे पास दूसरा मार्कर अभी नहीं है अवेलेबल, नहीं तो मैं दूसरे मार्कर का यूज करता. एक मिनट थोड़ी सी रुकोगे तो मैं लेके आऊंगा, आई थिंक ये काम कर जाए. तो जिंक कन्वर्ट इंटू जिंक 2 प्लस, सुनना, यहां पे जिंक 2 प्लस बनाना फॉर्म कर दिया. अब जब जिंक न्यूट्रल था, ये रॉड न्यूट्रल था, इसमें से दो प्लस निकल गए. सुनना, कोई चीज न्यूट्रल है तो उसमें प्लस कैसे आएगा सर, आप तो कंफ्यूज कर दिए. सुनो, न्यूट्रल का मतलब ये होता है जितनी पॉजिटिव उतनी निगेटिव, जितनी पॉजिटिव उतनी निगेटिव. न्यूट्रल का मतलब ये होता है, न्यूट्रल का मतलब अगर किसी के दिमाग में ये है कि नो चार्ज तो गया ये, ठीक है. न्यूट्रल का मतलब जितनी निगेटिव उतनी पॉजिटिव, न्यूट्रल का मतलब जितनी निगेटिव उतनी पॉजिटिव. चलो, इसमें से टू पॉजिटिव निकल गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, टू निगेटिव. दो पॉजिटिव गया तो दो निगेटिव आया, दो पॉजिटिव गया तो दो निगेटिव आया, क्लियर है. अब देखना, यहां पे दो पॉजिटिव गया तो दो निगेटिव आया, ऐसे ही बहुत सारा. जब पॉजिटिव अपने आप निकलेगा तो अपने आप बहुत सारे निगेटिव इस पे आने लगेंगे. अब घटना है यहां पे, अब सर कॉपर से तो कॉपर 2 प्लस नहीं जाएगा अपने से, क्योंकि ये निगेटिव है. तो चलिए कॉपर 2 प्लस से कॉपर का देख लेते हैं. सुनना, यहीं पे लिखेंगे थोड़ा ई, थोड़ा कंजेस्टेड लिख लेना कॉपर 2 प्लस से, क्योंकि कुछ नहीं मिटा सकते यहां पे. कॉपर 2 प्लस से कॉपर, देखना इधर से इधर जाने का -0.34, तो इधर से इधर आने का, मतलब सुनना, कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाने का x है, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने का कितना होगा, बच्चा भी बता सकता, बच्चा भी बता सकता. सुनना कैसे, इस पूरे इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस कॉपर से माइनस कॉपर 2 प्लस, मतलब माइनस कॉपर उधर ले जाएंगे तो कॉपर, मतलब पूरे इक्वेशन में सर माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया है और हम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बनेंगे नहीं, ये माइनस एक्स हो जाएगा. मतलब अगर रिएक्शन को रिवर्स देन ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, क्लियर है. चलो यहां पर देख लो, तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस -0.34 वोल्ट, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर तो +0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट. इसको कहीं साइड में अच्छे से लिखना, ये मेरे पास जगह नहीं था, अब नहीं मिटा दूंगा इसको, तुरंत के तुरंत मिटा दूंगा. तो यहां देखना, यहां पे कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने को तैयार है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस नहीं. अब कॉपर 2 प्लस इसमें है कहां, तो कॉपर 2 प्लस सॉल्ट के साथ है, सॉल्ट के साथ, ये देखो यहां पे है, मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस पड़ा हुआ है. अब इस पूरे सॉल्यूशन का जो कॉपर 2 प्लस है वो जाना शुरू कर देगा कॉपर में कन्वर्ट होना. अच्छा, कॉपर 2 प्लस चला गया कॉपर के ऊपर, ये पूरा रॉड कॉपर का था न्यूट्रल, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पहले कोई चार्ज नहीं था, अब 2 प्लस जाने लगा इसके ऊपर, तो पॉजिटिव 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 सारे पॉजिटिव हो जाएंगे. बोलो क्लियर है क्या, यहां पे थोड़ा दिख रहा है क्या, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, क्लियर. अब हमको निगेटिव मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, करंट कैसे निकालने वो तो तुम लोग बचपन से जानते हो, निगेटिव पॉजिटिव सटाओ, करंट निकालो. अब देख घटनाएं सुनना, अभी बैटरी बन गई है लेकिन करंट थोड़ी देर आएगी उसके बाद बंद हो जाएगी, क्यों सर, इसीलिए बैटरी बना रहे हैं कि थोड़ी देर करंट है बंद हो जाए. सुनना क्या होता है, एक्चुअली देखना, फिर से शुरू करेंगे हम लोग और उसको बैटरी को ऐसा बनाएंगे ताकि बैटरी अब बंद ना हो. देखना मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा क्योंकि इसको लिख लिया हो गया. सुनना इधर, इसमें एक तार जोड़ूंगा, इसमें एक तार जोड़ूंगा और इधर मैं एमीटर जोड़ दूंगा, करंट नापने वाला, या फिर करंट क्या नापना है, डायरेक्ट बल्ब जोड़ लो, डायरेक्ट बल्ब जोड़ेंगे और बल्ब ग्लो कर लेगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉपर टू जिंक जा रही है, ये सब चीजें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, कैसे निगेटिव आया कैसे पॉजिटिव आया, क्लियर। अब घटनाएं हाई लेवल पे घटेंगी, कैसे थोड़ा सुनना, अब घटनाएं हाई लेवल पे घटनी शुरू होंगी, देखना शुरू करना है। यहाँ पे लिख लेना पहले, ये पूरा बना लिए, बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे रिएक्शंस में, इसका नाम हम लोग एनोड देते हैं, एनोड, और इसका नाम हम लोग कैथोड देते हैं। तो पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, और एट कैथोड, और यहां पे ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, सुनना, एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे तो जिंक जो था वो जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, देखो एरो देखो, जिंक से जिंक 2 प्लस बना रहा था, मतलब एट एनोड जिंक से जिंक 2 प्लस का बनना, तुम लोग साफ साफ लिखना थोड़ा सा, इधर में बैलेंस करें तो इधर 0 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 प्लस, तो 2 माइनस इधर होनी चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर होनी चाहिए ताकि इधर भी 0 चार्ज हो जाए। अब अगर यहां पे बात करें यार क्या थॉट की, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, सुनना, कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, इधर 0 चार्ज है, कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इधर 2 प्लस है तो इधर भी 0 होनी चाहिए, तो दो निगेटिव जोड़ देंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो एनोड प्लस कैथोड, सुनना, एनोड प्लस कैथोड ओवरऑल रिएक्शन, तो यहां पे एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक ओवरऑल ऐड कर दो ना, तो जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर खत्म, गिव्स यहां पे हो जाएंगे जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ये हो जाएंगे ओवरऑल रिएक्शन। अब बात आती है कि इसकी सेल तो बना लिए सर, इसकी पोटेंशियल क्या होगी, इसकी ईएमएफ क्या होगी, ये भी क्लियर कर दीजिए थोड़ा, सुनना, ईएमएफ इज इक्वल टू, ईएमएफ इज इक्वल टू, थोड़ा सा मेरे तरीके में लिखना, अभी और भी डिटेल करेंगे ईएमएफ को, अभी हम छोटे से बात बता रहे हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, नॉट लगा लेना, नॉट क्या होता है ये भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे छोटी सी बातें बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं, लंबी बातें होंगी, सुनना, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस, और यहाँ पे लिखे थे जिंक से जिंक 2 प्लस जाने की पोटेंशियल इसकी होती है, वो दी रहेगी, वो याद नहीं करना है, 0.76 वोल्ट प्लस रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, और यहाँ पे लिखा था कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने का 0.34 वोल्ट होता है, तो 0.34 वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट का सेल जो कि तुमने अभी बना लिया, लेकिन ये सेल तुरंत के तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय मतलब तुरंत के तुरंत खत्म होंगे, घटनाएं सुनना क्या होंगी, ये सेल बना लिया ना, अब इसको पूरे प्रोसेस वाइज तुम लोगों को इंग्लिश में लिखने हैं, क्या लिखोगे कैसे लिखोगे अपने मन से लिखने हैं, ठीक है, क्या लिखोगे कैसे लिखोगे, 5-6 लाइन 7 लाइन छोड़ दो, क्या घटनाएं घटी है सारी लिखने हैं, कि जिंक डिपॉजिटेड ऑन जिंक 2 प्लस फलाना, कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कॉपर 2 प्लस क्यों होगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल पॉजिटिव है इसलिए ये हो रही है, पूरी लिखनी है जितनी मैंने बताई, एक बार और पढ़ने के बाद वीडियो देखना, तो इसको मैं मिटाता नहीं हूं, इसको जरूरत पड़ेगी, सुनना, अब बातें क्या होंगी, कि जिंक 2 प्लस में निकलते जा रहा है, रॉड वही है, रॉड पे निगेटिव आ रहा है कब, जब जिंक 2 प्लस में निकल के जा रहा है, तब यहां से कोई चीज 2 प्लस में निकल के चला गया तो इस पे निगेटिव आई, अब क्या हुआ, पूरा सॉल्यूशन जो है वो पूरा पॉजिटिव होते जा रहा है धीरे धीरे, हद है, पूरे सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जा रहा है ना, जिंक 2 प्लस, जहां देखो 2 प्लस पड़े, अब जैसे ही जिंक 2 प्लस और निकलने की कोशिश करेगा, सुनना, जैसे ही जिंक 2 प्लस निकलने की कोशिश करेगा, जो सॉल्यूशन के 2 प्लस हैं उसको रिपल्सन करेंगे, समझे, मतलब ये जिंक 2 प्लस निकलने की कोशिश करेगा जैसे ही सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन अगर 2 प्लस हो जाएगा तो ये इसको रिपल्सन करेगा और निकलने नहीं देगा, बोलो ठीक बा, अगर ये ठीक है तो यहां पे भी बात वही आएगी कि कॉपर 2 प्लस जा चुका है पूरा, अंदर सॉल्यूशन में सल्फेट माइनस बचा है, सल्फेट 2 माइनस, SO4 2 माइनस, पूरा सॉल्यूशन SO4 2 माइनस का घिरा पड़ा है, मतलब अब जो कॉपर 2 प्लस टूट के जाना चाहेगा तो पूरा सॉल्यूशन सल्फेट है, बोलेगा किधर, बाउंड बैक, समझ में आया, मतलब यहां पे कुछ देर के बाद जैसे ही सॉल्यूशन पूरा पॉजिटिव है, जैसे ही सॉल्यूशन पूरा निगेटिव हो जाएगा, करंट की ट्रांसफर रुक जाएगी ड्यू टू रीजन
क्योंकि यहाँ पे जिंक जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ फुल्ली पॉजिटिव सॉल्यूशन दैट रिपेल द जिंक 2 प्लस सॉल्यूशन। यहाँ पे भी वही घटना है, इसको लिखनी है कॉपी में खुद से, क्योंकि यहाँ पे कोई थियरी नहीं है, ये खुद से लिखना है कि क्यों रुक रहा है, समझने के लिए लाइन छोड़ते चलना, ठीक है। यहाँ पे अगर ये हो गया, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा तो टाइम बीतेगा और कुछ नहीं, अच्छा समझा नहीं पाऊंगा फिर, तो यहाँ पे ये घटनाएं हो जाती हैं, जुड़ जाओ जल्दी, तो यहाँ पे काम करना बंद कर देता है। अब मामला ये आता है कि सर ये पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव है, अगर इसको न्यूट्रलाइज कर दे तो ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये न्यूट्रल हो जाए तो फिर से जो पॉजिटिव निकलेगा उसको रिपल्सन कौन करेगा, कोई नहीं, सर चलो। दूसरा चीज कि सर ये पूरा सॉल्यूशन ही फेंक दे, दूसरा सॉल्यूशन डाल दे, वेरी गुड, लेकिन पैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन बार बार खरीदने के लिए महंगा आता है थोड़ा, इसका भी कर सकते हैं। अब यहां देखना, पहला चीज न्यूट्रल कर दे, कोई भी निगेटिव डाल दे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दूसरा चीज सॉल्यूशन ही फेंक दे, तीसरा चीज सर ये सॉल्यूशन पॉजिटिव था इसलिए यहां पे पॉजिटिव नहीं आ रहा था, इस सॉल्यूशन को अगर निगेटिव कर दे तब, निगेटिव कर दे तो वो तो खींच के निकाल देगा पॉजिटिव को, तो सर ये सॉल्यूशन निगेटिव है, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव, दोनों को इंटरचेंज कर दे, तो तीन तीन केसेस है। थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके समझने की कोशिश करना मैंने क्या बोला है, सुनना, यहां पे लिखना देयर आर थ्री केसेस एराइजेस दैट कैन मेक द सेल फॉर रीयूज, रीयूज के लिए तीन केसेस हैं, ठीक है। पहले तो ये लिखोगे द सेल स्टॉप वर्किंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर पॉजिटिव सॉल्यूशन इन एनोड सेल एंड मोर निगेटिव सॉल्यूशन ऑफ कैथोड सेल, ठीक है, that repel the extra emission of zinc 2 plus in the anode solution and protect the adsorption of copper 2 plus on copper electrode due to formation of opposite charge around it, मतलब अपने चारों साइड ऑपोजिट चार्ज एक्वायर करने की वजह से जाने नहीं देगा। ये इंग्लिश में कुछ भी चीजें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बंगाली में लिखो, असमीज में लिखो, जो भी लिखने लिखो, जहाँ के बच्चे पढ़ रहे वैसे लिखो, भोजपुरी में मत लिखा, भोजपुरी से अच्छा हिंदी है, ठीक है। चलो आगे की बातें कर लेते हैं। देयर आर थ्री वेज दैट कैन मेक सेल टू वर्क, पहला टू न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन बाई एडिंग सॉल्ट इन इट, दूसरा बाई इंटरचेंज द बीकर, ठीक है, बाय इंटरचेंज द बीकर, तीसरा लिखना बाय एक्सचेंज द सॉल्यूशन बाय न्यू सॉल्ट, मतलब सॉल्यूशन फेंकेंगे न्यू सॉल्ट डालेंगे, तीनों केसेस ठीक है, लेकिन दो केसेस जो है वो थोड़ी महंगे हैं, एक्सचेंज करेंगे तो वो दिक्कत प्रोड्यूस करेगी, अभी कॉपर था, अभी जिंक होने लगेगा उसमें, मतलब एक ही सॉल्यूशन में कॉपर भी आने लगेगा, जिंक भी आने लगेगा, तो यहाँ पे स्पीड के नेचर पे चेक करने लगेंगे, वहां दिक्कतें आ जाएंगी, वहां सेल कुछ देर बाद ही काम करना बंद कर देगा। दूसरी चीज है, थोड़ा इस चीज के बारे में जानकारियां लेना शुरू करना, ये चीजें अंदर की नहीं बता रहा हूँ, ये चीजें थोड़ा अलग हटके बता रहा हूँ, कि दिमाग में अगर आ जाए कि इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीजें अब आएंगी क्या, कि यहाँ पे सोल्यूशन एक्सचेंज करना, दिस इज महंगा वन, कह सकते हैं ये एक महंगा सौदा होगा। तीसरी चीजें जो आएंगी वो परफेक्ट है, बाय एडिंग द सॉल्ट, सॉल्ट यूज कर सकते हो, सॉल्ट मींस NaCl भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना द यूजिंग ऑफ सॉल्ट टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन इज द बेटर मेथड, ठीक है, इसमें लिखने शुरू करने सुनना, सो वी यूज सॉल्ट ब्रिज that maintain the neutrality of solution, ठीक है। हेडिंग करना छोटा सा, सॉल्ट ब्रिज क्या है छोटा सा हेडिंग करना, उसमें लिखना it is the U-shaped tube containing of salt having same mobility of cation and anion, ये जरूर लिखना, having same mobility of cation and anion इन द फॉर्म ऑफ जेल, जेल के फॉर्म में भी होनी चाहिए, ठीक है, उस टाइप के सॉल्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों किया उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे।
सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द सेल रिएक्शन, सेल के जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम आता है। दूसरी पॉइंट में लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब मेंटेन करना न्यूट्रलिटी ऑफ द रिएक्शन, ऊपर वाले पॉइंट को कह सकते सेम है। दूसरी पॉइंट लिखेंगे, तीसरी पॉइंट की बातें करें तो इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ द सेल, मतलब सेल की लाइफ तो यही खत्म हो गई थी, जिंदगी जिंदगी खत्म हो गई थी, ठीक है, यहां से इसके लाइफ को बढ़ा देता है सेल की लाइफ, ठीक है। कैसे बढ़ाता है, क्योंकि न्यूट्रलाइज करता है। अब सेल के देखना, फिर से ये रिएक्शन बनाएंगे, फिर से ये पूरा बीकर बनाना पड़ेगा, ये सब क्या थोड़े नोट भले ही नहीं लिखना हो, नहीं लिखना। अब सुनना, यहां पे एक सॉल्ट ब्रिज दिखाना है, इसलिए फिर से बनाना पड़ेगा, ऊपर वाले में मत बना देना, ऊपर वाले में मत बना देना, गलतियां हो जाएंगी, नीचे वाले फिर से बनाना होगा तुम लोग को रिएक्शन सेल का शेप। और यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब, ये एक यू शेप ट्यूब है, नीचे झुका हुआ है, ये ऊपर कर देते यू शेप ट्यूब है, इसमें हम लोग कुछ सॉल्ट रखते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट जो होगा जेल के फॉर्म में होगा, जेल सॉल्ट, जेल समझ रहे हो ना, पेस्ट टाइप का, ताकि ये लिक्विड क्यों नहीं रखते हैं, कारण ये है, अगर लिक्विड रखेंगे तो मूव करके आराम से इधर आ जाएगा, मूव करके इधर आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सॉलिड क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स होती है वो टाइट पैक्ड होती है, उनको अगर खींचा भी जाए तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे जेल फॉर्म में रखना उचित होगा, सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा, सुनना, यहाँ पे आपकी बार सॉल्यूशन में खाली पॉजिटिव दिखाना, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना होगा इस बार, ठीक है। जैसे ही ये पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, यहां से निगेटिव आयन को खींचेगा, निगेटिव आयन को खींचेगा, अच्छे से बनाना थोड़ा सा, ठीक है। और जैसे ही ये पूरा सॉल्यूशन निगेटिव हो जाएगा, क्यों निगेटिव हुआ था ये तो पता चल ही गया था, अच्छे से लिख लेना, ये जैसे ही पूरा सॉल्यूशन, ये पानी नहीं है, ये सॉल्ट नहीं है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ही पूरा सॉल्यूशन निगेटिव होगा, इधर से पॉजिटिव को खींचना शुरू करेगा, मतलब ये भी न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये भी न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब बात है, सेम मोबिलिटी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सॉल्ट वही यूज करेंगे जिसका सेम मोबिलिटी होगा, आंसर टिक और घर आओ, आंसर सही था, आईटी एडवांस की क्वेश्चन थी, खैर तुम लोग मेडिकल में कभी भी निपटा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा सुनना बातें को यहाँ पे, कि सेम मोबिलिटी का मतलब, सेम मोबिलिटी का मतलब जितना तेजी से पॉजिटिव मूव करे उतनी ही तेजी से निगेटिव मूव करे, तो सेम तो हो नहीं सकता, सिमिलर हो सकता है, तो सिमिलर मोबिलिटी क्यों होना जरूरी है, तो यहाँ पे कारण हो सकता है कि जितनी तेजी से पॉजिटिव मूव करे उतनी ही तेजी से निगेटिव मूव करेगा, तो जो न्यूट्रलाइजेशन होगा सॉल्ट का वो बराबर होगा, बराबर तुम लोगों को बराबर होगा। अगर बराबर न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ तो एक तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और दूसरा देखो ये न्यूट्रलाइज हो गया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ तो इस पे निगेटिव आएगा क्या, तो किस काम का फिर, इसलिए सेम मोबिलिटी होना जरूरी है, बिकॉज इट न्यूट्रलाइज, बिकॉज इट न्यूट्रलाइज द एनोड एंड कैथोड बीकर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एकाएक दोनों को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। यहां पे तीसरी पॉइंट में लिखना सॉल्ट ब्रिज के, द सॉल्ट लाइक, यहां पे पहले इसी में लिख लेना, उसी में मोबिलिटी ऑफ कैटायन, मोबिलिटी मतलब वेलोसिटी की बातें कर रहा है, मोबिलिटी ऑफ एनायन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखेंगे द सॉल्ट लाइक KCl, KCl सॉल्ट, ठीक है, NH4Cl आर नॉट यूज्ड, ये यूज नहीं करेंगे, सुनना, यही सब सॉल्ट यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में जनरली, लेकिन ये यूज नहीं करेंगे, व्हेन, कब, कब, सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आईटी एडवांस की क्वेश्चन में है, व्हेन द इलेक्ट्रोड ऑफ, व्हेन द इलेक्ट्रोड ऑफ Ag, Ag मतलब सिल्वर, अगर तुम बहुत अमीर हो, तुम सोच रहे हो मैं लोहा टच करूंगा, हाउ चीप, तो तुमने एजी की इलेक्ट्रोड ला ली है, लेकिन ये पता ही नहीं कि एजी की इलेक्ट्रोड लाएंगे तो ये सब सॉल्ट नहीं यूज करने हैं, क्यों नहीं यूज करने उसको भी लिखवाते हैं। व्हेन सॉल्ट इलेक्ट्रोड लाइक एजी, एचजी, टीएल, टीएल, इन सब के इलेक्ट्रोड अगर यूज होंगे, इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज दीज सॉल्ट रिएक्ट विथ, दीज सॉल्ट रिएक्ट विथ मेटल आयंस, जैसे AgCl, मेटल आयंस टू फॉर्म प्रिसिपिटेट, ये PPT बना देगा, HgCl2, PPT, ठीक है, प्रिसिपिटेट बना देगा, टू फॉर्म प्रिसिपिटेट विथ मेटल आयन, सो दैट इट क्लोज, अब प्रिसिपिटेट बना लिया तो क्या दिक्कत है,
सो ना सो दैट टू क्लोज द माउथ ऑफ सॉल्ट ब्रीज। अब ये सॉल्ट आ रहा है, इधर में पूरा आयन अपना चढ़ा हुआ है, जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन हुआ ये क्लोज कर दिया माउथ को, ये क्लोज कर दिया माउथ को, जम जा प्रिसिपिटेट मतलब जमना होता है, प्रिसिपिटेट मतलब नीचे बैठना, गलत बात, वो जमने के बाद नीचे बैठ जाए वो अलग चीजें हैं, प्रिसिपिटेट मतलब थक्का बनाना होता है, थक्का हिंदी मतलब, गो टू गूगल सर्च दिस। तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट करेगा तो यहाँ पे माउथ ही क्लोज हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज का, अगर माउथ ही क्लोज हो गया तो स्टॉप द फंक्शन दैट क्लोज द माउथ ऑफ सॉल्ट ब्रिज सो दैट द सॉल्ट ब्रिज कैनॉट फंक्शन, मतलब अपना वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो द सॉल्ट ब्रिज सॉरी सो द सेल रिएक्शन कैनॉट बी न्यूट्रलाइज एनी मोर, क्लियर है। तो ये सब सॉल्ट नहीं यूज करेंगे, अन्यथा ये सब सॉल्ट भरपूर मात्रा में यूज करना, ठीक है। ये याद रखना सॉल्ट ब्रिज में KCl, NH4NO3 ये सब यूज करते हैं, NH4NO3 यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, इन सब की मोबिलिटी सेम होती है इसीलिए, ठीक है। फिर ये था तुम लोगों का सॉल्ट बैटरी बनाने की तरीके, ये था तुम लोगों का बैटरी बनाने के बाद कौन सा प्रिकॉशन रखना है, ये था तुम लोगों का बैटरी बनाने के बाद सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना, सॉल्ट ब्रिज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी, सॉल्ट ब्रिज से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज बोर्ड्स में बैठे हो तो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सॉल्ट ब्रिज से क्वेश्चन कंपटीशन में क्या पूछे जाएंगे कि सॉल्ट ब्रिज का सॉल्ट क्या होनी चाहिए, इसमें कौन सा सॉल्ट यूज कर सकते हो सॉल्ट ब्रिज में, KCl, NH4NO3 याद रखना दोनों, यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा टिक करो। अब बात आती है सॉल्ट ब्रिज में इसमें से कौन सा सॉल्ट नहीं यूज कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोड Ag का हो तो, सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो तो पता चलेगा जिसमें क्लोरीन हो वो नहीं यूज करना, क्योंकि वो क्लोरीन अगर रिएक्शन किया आयन से तो वो गया सॉल्ट फिर, ठीक है। तो वो सब सॉल्ट नहीं यूज करने, इतनी लिखने के बाद हो जाती है तुम लोग की पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम लोग इसके ऊपर EMF चेक करेंगे कि हमको सर 2 वोल्ट की बनानी है बैटरी, तब कैसे बनाए। अब कल तुम लोग का वो नहीं सर हमको आधे वोल्ट की बैटरी बनानी है, सस्ता बैटरी आयरन ले ले क्या, नहीं नहीं वो मैं बताऊंगा क्या लेने हैं। यहाँ पे एक चीज है जो इंपॉर्टेंट जा रही है वो मैं बता दूं, सुनना सुनना। कुछ लोगों को लगता है एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड निगेटिव होता है, कुछ लोगों को लगता है एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड निगेटिव होता है, यहाँ पे कब एनोड पॉजिटिव होगा कब कैथोड निगेटिव होगा सुनना। जब हम लोग बैटरी है, बैटरी में एनोड निगेटिव होता है सॉरी पॉजिटिव होता है, बैटरी में एनोड पॉजिटिव होता है, बैटरी क्या कहते हैं, बैटरी उसको कहते हैं जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं। तो जब हम लोग किसी रिएक्शन से सॉरी एक मिनट उल्टा हो गया ये, बैटरी मतलब चार्ज कर रहे हैं तो जो एनोड होगा वो पॉजिटिव होगा, जब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं तो एनोड निगेटिव होगा, याद रखना। यहाँ पे बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं मतलब एनोड निगेटिव, अगर यही चार्ज करेंगे तो ये पॉजिटिव एनोड होगा, याद रखना। इसको याद रखने के लिए याद करवाते हैं GOAN, गोवा नहीं जाएंगे, गोवा नहीं जाएंगे मतलब गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल समझ में आया ना, वोल्टास और गैल्वेनिक सेल शुरू में नाम लिया था दोनों बाबा का। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पे होगा और उसका चार्ज जो होगा एनोड का वो निगेटिव होगा, याद रखने के लिए ये फंडा याद रखो। गैल्वेनिक सेल मतलब जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं, जब मोबाइल फुल चार्ज है तो तुम्हारा बैटरी गैल्वेनिक सेल बोला जाएगा, जैसे ही तुमने बैटरी को चार्ज लगाया वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के सेल होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। तो अभी गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही कहते हैं, तो अभी तुम लोग बैटरी जब यूज कर रहे हो तो वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे ही चार्ज लगाते हो वो हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर है। तो किसी को मूर्ख बना सकते हो कि मेरे मोबाइल की बैटरी कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कुछ भी नहीं बोल सकता है बेचारा, बोलेगा ये क्या होता है। चलो ठीक है, आज के लेक्चर यही रहने देते हैं, कल देखते हैं अपने EMF के बारे में, ठीक है। फिर गुड नाइट फॉर